नगर निगम सोलन में मेयर व डिप्टी मेयर के शेष कार्यकाल के लिए आज चुनाव होने थे। दोपहर 12 बजे से प्रशासन ने भी सभी औपचारिकताएं आरंभ कर दी थी, लेकिन मात्र एक ही निर्दलीय पार्षद ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस व भाजपा के पार्षद इस बैठक से नदारद दिखे। अब ये चुनाव 7 दिसंबर से पूर्व करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है, सोलन नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस के मेयर डिप्टी मेयर थे। अब कांग्रेस में गुटबाजी के चलते एकजुटता नहीं बन पा रही। स्वास्थ्य मंत्री सहित सरकार के दो अन्य मंत्री पार्षदों के साथ बैठकें करके मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्षद अपने ही मंत्रियों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि स्पष्ट बहुमत के बाद भी मेयर व डिप्टी मेयर कांग्रेस नहीं बना पाई। आइए सुनते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहना है अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव का। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, फोरम में तय आज 4 दिसंबर को पहली बैठक तय की गई थी, तो लगभग 4 बजने वाले हैं। पूरा इंतज़ार करने के बाद भी आज केवल एक ही पार्षद उपस्थित हुए, अन्य सभी आज उपस्थित नहीं हुए। तो उसकी वजह से जो रिक्वायर्ड कोरम था, जो कोरम की आवश्यकता थी, वो पूरी नहीं हुई। तो इस करके आज की बैठक आज ही संपन्न की गई और अगली बैठक जो है वो आने वाले 3 दिनों के अंदर कराया जाएगा। चूँकि जो पिछली हमारी नोटिस थी उसमें अगली बैठक के समय और स्थान के बारे में नहीं बताया गया था, तो समय और स्थान को लेते हुए अगली जो नोटिस है 72 घंटे के अंदर अगली बैठक करा दी जाएगी।